नाम है आपका? जीत कुमार। ये आपकी बेटी की आज बारात आनी थी, क्या मामला है? मामला डिमांड थी उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी की 10 लाख रुपए कैश की। शादी वाले दिन मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं, असमर्थता पूरी करने में। बाकी मैंने दहेज वगैरह सारा इंतजाम कर दिया है, स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है। इस चीज को लेकर के शायद बारात में नहीं लाया होगा। जीवन में हर पिता का एक सपना होता है कि वह अपनी फूल सी बेटी को फूलों की स्टेज में सजाकर उसे उसके जीवन साथी के साथ खुशी खुशी विदा करे, और उसके लिए वह बेटी के जन्म से ही सपने सचोने शुरू कर देता है। बेटी की धूमधाम से शादी कराने के लिए एक पिता द्वारा अपने जीवन की सभी जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटी के लिए जीवन की सारी खुशियां बटोरने का लक्ष्य उस पिता का होता है। और ऐसा ही कुछ टांडा कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए सरकारी दामाद धूड़ा और उसकी शादी जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव मिलक कथावली निवासी योगेश कुमार के साथ तय कर दी। लेकिन उस पिता को क्या मालूम था कि जिस लड़की के साथ अपनी बेटी का विवाह रचाने जा रहा है, वह एक दिन उसे अपनी जिंदगी का ना भुलाया जाने वाला गम दे जाएगा। पूरा मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सेटा खेड़ा से सामने आया है, जहां घर पर दुल्हन बनी एक बेटी के सपने गमों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा, जब दूल्हा बारात लाने की जगह परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। आइए आज हम आपको दिखाते हैं टांडा कोतवाली क्षेत्र से सामने आया एक ऐसा ही मामला। नाम है आपका? जीत कुमार। ये आपकी बेटी की आज बारात आनी थी, क्या मामला है? मामला डिमांड थी उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी की 10 लाख रुपए कैश की। शादी वाले दिन मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं, असमर्थता पूरी करने में। बाकी मैंने दहेज वगैरह सारा इंतजाम कर दिया है, स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है। इस चीज को लेकर के शायद बारात में नहीं लाया होगा, डिमांड की वजह से। अच्छा, तो कब आनी थी बारात? आज आनी थी 20 तारीख। अच्छा, और मना कब किया? सुबह 11 बजे तक बात हुई है, सब ठीक ठाक था। उसके बाद 11 बजे के बाद सब लोगों के स्विच बंद हो गए हैं फोन के। मैंने अपने किसी संपर्क सूत्र से पता करा, वहाँ जा करके देखा घर पे ताले लगे हुए हैं, उनके सब लोग घर से फरार हैं शायद। अच्छा, कहाँ से आनी थी बारात? ये थाना धामपुर में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में गांव पड़ता है मिलक तखावली जी। तो लड़का क्या करता है? वो स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क है देहरादून। और इसके अलावा भी बताते हैं कि और डेट फिक्स हुई थी वो कैंसिल हो गई थी किसी कारण? हाँ, वो 20 अप्रैल तय हुई थी। अच्छा, तो उस डेट को नहीं हुई 20 अप्रैल? हाँ, उसको नहीं हुई थी। वही सिस्टम था उसके, गाड़ी का स्कॉर्पियो का ही उस समय भी। लेकिन फिर बाद में वो लोग एग्री हो गए थे कि चलो स्विफ्ट गाड़ी ले लेंगे। लेकिन अब फिर उनकी वही डिमांड कि ना जी हमें तो वही स्कॉर्पियो चाहिए। इस चीज़ को लेकर के वो बारात नहीं लाया। इस मामले में कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ था थाने में? हाँ, पहले हुआ था, वो क्राइम नंबर 112। अच्छा, तो अब ये लोग बारात नहीं लेके आए हैं, तो क्या चाहते हो आप लोग? जो कानूनी विधि कार्रवाई हो तो होनी चाहिए, और जो उचित उसको दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, मैं तो यही चाहूँगा। अच्छा, जैसे आज परिवार में बारात नहीं आई है, तो घर में हमने देखा कि बहुत कोहराम। आप देख रहे हो बेटे के रोते रोते बुरे हाल हैं, सारे मेहमान सब बिल्कुल एक तरह से नरक हुआ पड़ा है सब। कोई कहीं खड़ा होकर रो रहा है, कोई कहीं ऐसे। बाकी आप देख ही रहे हैं, बेटी ज़्यादा परेशान है मेरी इस समय। वो अगर वो उसने भविष्य में या कोई गलत कदम उठा लिया तो उसकी जिम्मेदार सब कुछ वही होगा, लड़का योगेश जो बड़ा मिल गया। क्या नाम है आपका? लवी। क्या हुआ था आज आपकी बारात आनी थी और लास्ट टाइम पे कैंसिल हुई है? जी पता नहीं, उसके फोन ही नहीं लग रहा। कहाँ से आनी थी बारात? धामपुर से लगी नोर। तो कोई वजह? बस उनकी ज्यादा मांग थी, मांग हमने पूरी नहीं की। अच्छा, क्या मांग थी? स्कॉर्पियो गाड़ी। अच्छा, और पापा क्या दे रहे थे आपको? पापा जी शिफ्ट दे रहे थे। अच्छा, फिर? फिर उन्होंने पहले भी मना किया था, तो हमने केस किया था उसके ऊपर। फिर हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उन्होंने तय कर दी कि हम 20 तारीख को बारात लेकर के आएंगे। उन्होंने फिर आज सारी तैयारियां होने के बाद में उन्होंने फिर मना कर दिया। अच्छा, इससे पहले भी कोई डेट फिक्स हुई थी सारी? जी, 15 मई हुई थी। जो सबसे पहले हुई थी वो 20 अप्रैल हुई थी, उसके बाद 15 मई,
उसके बाद अभी। अच्छा, जून आज बारात आने की जी। तो अब क्या तैयारी हैं और क्या आपके पापा की तरफ से यहाँ तैयारियाँ की गई थी? पापा जी ने तो सारी तैयारियाँ कर ली हैं, खाना वाना सारा तैयार है, मेहमान सारे आ चुके हैं, गाड़ी भी आ गई है, टेंट भी है, सारा दहेज है। तो अब क्यों नहीं आए, कोई और वजह भी है इसकी? पता नहीं, और वजह तो नहीं है कोई भी। अच्छा, क्या चाहती हो बाबू से? उसे सजा मिले बस, यही। किस बात की सजा? कि आगे किसी वो लड़की के साथ ऐसा ना करे वो।